पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच जनपद इकाई के कर्मचारियों ने विकास भवन से चेतना तिराहे तक पद यात्रा निकाला और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान पेंशन बचाओ मंच अटेवा के कर्मचारियों ने 2005 से बंद पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो लाखों शिक्षक कर्मचारी लखनऊ पहुंचकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने कहा, अखंड प्रताप सिंह, हमारी एक सूत्री मांग केवल है, पुरानी पेंशन बहाल करो। अटेवा का पूरे हिंदुस्तान में यह कार्यक्रम आज चल रहा है, अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो 21 नवंबर को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर बात नहीं बनी, पुरानी पेंशन नहीं बहाल की गई, तो आगे की रणनीति बना करके हम सरकार को ये सिखा देंगे, बता देंगे।